इफी को भी अंदर बुला लेती ना। दरअसल वो दोस्त की बाइक लेकर आया था, उसे देर हो रही थी इसलिए चला गया। अच्छा, अरे तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि तुम्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया, वह यहाँ था नहीं, सना तुम्हारे पास आ जाती कम से कम। कुछ नहीं भाई, बस बीपी लो हो गया था और मुझे लगा कि रिदा ने भाभी को बता दिया होगा। हाँ हाँ, रिदा ने बताया था मुझे फोन करके, मैंने फोन किया था तुम्हें, तुम्हारा नंबर ही बन जा रहा था। अच्छा छोड़े इन बातों को, ये देखिए मैं आपके लिए आपकी फेवरेट कलर का ड्रेस लेकर आई हूँ। रियली थैंक यू। और अपनी प्यारी सी भतीजी के लिए एक क्यूट सी मैक्सी। वाओ फूफू, थैंक यू सो मच, ये तो बहुत प्यारी है, मैं अब इसे अपने फेयरवेल पार्टी में पहनूंगी। गुड आइडिया। अब भाई ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, खोल कर देखें। ये तो काफी महंगा गिफ्ट लग, ये क्या करती हो तुम सुहाना, इतना महंगा गिफ्ट। तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, मैं जो कुछ भी लाई हूँ दिल से लेकर आई हूँ। एक कॉल आ रही, मैं आता हूँ। जी हाँ, हेलो रुई बेटा, आप भी ये सामान उठाओ और जाके कमरे में रखो। शाबाश। लगता है कि सुल्तान तुम्हें अब वहां से कुछ पैसे भेजने लगा है, तुम्हें थोड़ा ख्याल करना चाहिए, कुछ सेविंग्स करो, आगे चल के तुम्हारे ही काम आएंगी। जी इन्हें क्या बताऊं कि सुल्तान पैसे तो भेजते हैं मगर अपने भाई नौमी को जो खराजात का बहाना बनाकर मुझे चंद रुपए थमाता है और बड़े आराम से चलता कर देता है। क्या हुआ अभी, आप ठीक है? पता नहीं अचानक चक्कर आ गया मुझे, काम ज्यादा होता है, अकेली होती हूँ, रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता शायद इसलिए। क्या जरूरत है आपको काम करने की, मैं आ गई हूँ ना, मैं सारे काम देख लूँ। किचन अभी सारा बिखरा हुआ है। मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी, आप चाहे रेस्ट करें। ठीक है मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तुम देख लेना।